हर एक जो घर है ना, हर एक घर के सामने एक रोड है, तो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे होके रखा है। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये राइट में सा घर है पूरे, और यहाँ पे ना खासियत है एक्चुअली, मतलब वेल डेवलपमेंट एरिया ये बन रहा है। जैसे कि देखो, जो भी घर है उनके डोर के सामने ही रोड है। सो हेयर इज योर सिविक एडिटर गाइस। हम लोग फिलहाल के पार्ट्स पे हर एक चीज़ें बना रहे हैं, बट अभी इस वाले ब्लॉग में ये बताऊंगा कि आपको कि यहाँ पे जो कर्नाटका में न्यू बागलकोट है, यहाँ के घर कैसे हैं नवा नगर के। ठीक है, तो वो जो बैक साइड में दिख रहा होगा आपको, वो मतलब यहाँ पे ना हर एक जो घर है ना, हर एक घर के सामने एक रोड है, तो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे होके रखा है। थोड़ा थोड़ा आगे जाके ना आपको ना हर एक चीज़ें बताता हूँ, मैं एक ना अच्छे लोकेशन में पूछता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, कैमरामैन कैमरा पकड़ लो। हाँ, अपने कैमरामैन पीछे बैठे हैं। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में भी बोलते हैं घर वगैरह है, बट ये क्या चीज है? हाँ, वो कन्नड़ में पढ़ने भी नहीं आ रहा मुझे कि क्या है, मुझे भी नहीं आ रहा। ये देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये राइट में सा घर है पूरे, और यहाँ पे ना खासियत है एक्चुअली, मतलब वेल डेवलपमेंट एरिया ये बन रहा है। जैसे कि देखो, जो भी घर है उनके डोर के सामने ही रोड है, और यहाँ पे एक एक बंगलो है यार, मतलब अलग अलग तरह से बंगलो है। और जो बाजू में पतरा आपको दिख रहा होगा ना, पतरे घर, हाँ जो चल रही है, वो जो पीछे पतरे का घर था ना गाइस, वहाँ पे अलग ही सीन है। उसमें ये है, वो जो पतरा पीछे बन रहा है, बनाया है ना, पतरे के घर में सब सामान स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि गोडाउन टाइप का यूज़ करते हैं वो लोग, वो चीज़ें हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, बैठ गाइस। हाँ, दिखाओ मुझे ये साइड जाना है लेकिन। हाँ, तो गाइस मतलब ये हम लोग है ना फिलहाल के लिए इसी नवा नगर में है, और यहाँ पर ना ये जो भी सामने सर्कल दिख रहा है, ऐसे आपको ना बहुत सारे सर्कल देखने मिलेंगे। एंड सब रो में रोड है ना गाइड, सब रोड सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पर है ना, मतलब जो हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब है ना बिजली, हाँ वो है, क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड नहीं है, वो डायरेक्ट बिजली गया है। ये जो है ये अंडरग्राउंड बनाया है, जो कि फेल हो गया बेबी, ये फेल हो गए, अंडरग्राउंड थे सब, वहाँ का भी अंडरग्राउंड ही था, फेल हो गए। तो सुना आपने कि वो फेल हो गया उनका जो भी प्रोजेक्ट था वो, बट ये जो अंडरग्राउंड जैसा इलेक्ट्रिसिटी बना के रखा है नहीं इन्होंने, ये आपने सेव अपना मुंबई में तो पता ही है कि अपने मुंबई में सब ए टू जेड अंडरग्राउंड है, तो थोड़ा थोड़ा मुंबई का भी इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं लोग अभी, बट इतना हो नहीं पाया डेवलपमेंट यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, जो कि फेल हो गया, जो कि बाद में फिर से उस चीज़ को बनाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा और आगे साइड में, जहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगा कि घर कैसे कैसे है यहाँ पे, तो लेट्स सी चलते हैं। बट देख लो बिजली के खंभे को जिस तरीके से, जो कि मुंबई में जैसे देखने को आपको मिलेगा नहीं, और ये अंडरग्राउंड बनाया था इन्होंने, जो कि पास मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, जो कि हो जाएगा बट, तो फिर आगे जाके हम चेक करते हैं। वो वेदर चेक करो यार, वो वेदर देख, दिख रहा है वो सूर्य का, क्या बोलते सन का, हाँ वो रिफ्लेक्शन लाइट से नीचे आ रहे, जैसे कि वाओ। चलो भाई, अब हमारा भाई बताओ कहाँ जाने के, ये रोड आगे जाना होगा। तो अब तुम 72 में, सेक्टर 72 है ये। हाँ, ये जो लाइट से खंभे दिख रहे हैं ना गाइस आप सभी को, ये मतलब अंडरग्राउंड का इन लोगों ने ना पूरा टेक्नोलॉजी लगाया है, तो जो आपको सब जगह पे ना ये देखने मिल जाएगा। और ये है यहाँ का डॉग है। हेलो दोस्त, हाय। पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे डे में हम ऐसा घूम रहे हैं, बट अगर नाइट में आप यहाँ पे कैसे घूमोगे यार, बिकॉज नाइट में तो डे में इतना रश नहीं है, तो नाइट में कुछ नहीं रहेगा यार यहाँ पे। देखो इतना बड़ा घर है और रोड है, रोड पे ही
हर एक घर को रोड भी है और मतलब डेवलपमेंट पूरा यहाँ पे चल रहा है, जो कि कुछ टाइम में डेवलपमेंट हो भी जाएगा।